आज की इस क्लास में हम वर्डप्रेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आप वर्डप्रेस के बारे में जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस होता क्या है। तो जैसे कि जब आप इंक्वायरी के लिए आए होंगे, आपसे बताया गया होगा कि वर्डप्रेस एक सीएमएस बेस्ड कंटेंट है। सीएमएस का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस पूरी दुनिया के अंदर 90% इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो कंटेंट है वो वर्डप्रेस ही है। और वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको वर्डप्रेस की नॉलेज अच्छे से है तो आप किसी भी लेवल की वेबसाइट बना पाएंगे, चाहे वो एजुकेशनल हो, स्पोर्ट्स वेबसाइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, किसी भी लेवल की वेबसाइट आप बना पाएंगे। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यदि आपको अपनी वेबसाइट में कोई भी फंक्शन चाहिए होता है तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप प्लगइन के जरिए अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी चीज़ आराम से लगा पाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि वर्डप्रेस पहले वेब होस्टिंग कहाँ से खरीदते हैं, वेब होस्टिंग होती क्या है। वेब होस्टिंग एक स्पेस होता है, यानी एक जगह होती है जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं। और डोमेन एक नेम होता है जो कि आप जिस नाम से रजिस्टर करते हैं। जैसे किसी दो व्यक्ति के मोबाइल नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, या किसी दो व्यक्ति के ईमेल आईडी एक जैसी नहीं हो सकती, वैसे ही किसी दो व्यक्ति का डोमेन नेम एक जैसा नहीं हो सकता। और डोमेन और होस्टिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, आप किसी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है GoDaddy.com, जहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग आराम से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट है, वी फॉर यू है, सनराइज है, या ब्लू होस्ट है। बहुत सारी वेबसाइट होती है जो कि आपको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड कराती है, जो इनके चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। कुछ वेबसाइट फ्री भी होती है जो आपको डोमेन और होस्टिंग फ्री देती है, क्योंकि वो फ्री होती है तो फ्री में आप वेबसाइट बना तो लेंगे, लेकिन वो वेबसाइट कभी भी बंद हो जाती है, कभी भी सर्वर डाउन हो जाता है। क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तो जिस वेबसाइट से आप परचेज करते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज हम बात करते हैं वेब होस्टिंग और डोमेन खरीदते कैसे हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें गोडैडी से एक वेबसाइट खरीदनी है। तो हमने यहाँ पे गोडैडी डाला और यहाँ पे गोडैडी की ऑफिशियल साइट है www.godaddy.com, ये डोमेन होता है। और ये साइट पे पोस्ट लिखी हुई है तो हम गोडैडी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो ये कह रहा है फाइंड योर डोमेन नेम, यानी कि आपको यहाँ पे एक डोमेन नेम लिखना है, जो भी आप जिस नाम से भी आपको खरीदना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक डोमेन नेम खरीदना है, Deepak, IND लिख लेते हैं, india.com। यहाँ पे सर्च डोमेन पे आपको क्लिक करना है। सर्च डोमेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपको दिखाएगा कि एक डोमेन नेम ये डॉट कॉम के लिए यहाँ पे जो है 199 चार्ज करेगा 2 ईयर के लिए, अगर आप पहला रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और यहाँ पे एक deepakindia.net.in एक ये वाला डोमेन नेम है, आप दोनों में से कोई भी डोमेन नेम ले सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे पहले वाला डोमेन नेम लेना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइड में ये आपके ऐड हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ होगा कंटिन्यू टू कार्ट। आपको कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करना है। कंटिन्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको फुल डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन चाहिए, अनलिमिटेड डोमेन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंटिन्यू टू कार्ट पे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे प्रोफेशनल ईमेल इंडिविजुअल 1 ईयर के लिए, यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं इसको। और यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपके सामने आएगा, आपको जो जो ऐड करना है वहाँ से ऐड कर सकते हैं, और वो जो है अमाउंट जो है आपका उतना ही बढ़ता चला जाएगा। कंटिन्यू चेकआउट पर क्लिक करना है। कंटिन्यू चेकआउट पर क्लिक करने के बाद
आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं और क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। उसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पेमेंट करके कंप्लीट कर देंगे, तो ये जो है वेबसाइट वाले आपके पास ईमेल पे आपके लिए एक कंट्रोल पैनल भेजेंगे, यानी कि जहाँ से आप अपना वेबसाइट को चलाएंगे, कंट्रोल करेंगे, जिसके जरिए आप अपने कंट्रोल पैनल से एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो वो मैसेज भेजेंगे, जैसे कि मेरे ईमेल आईडी पे पहले से एक मैसेज आया हुआ है, हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ही हम वहाँ पर रजिस्टर करेंगे, तो उनके द्वारा जो है हमारे पास कंट्रोल पैनल की डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे कंट्रोल पैनल लॉगिन के लिए ये दिया हुआ है, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सभी इन्होंने दिया हुआ है। तो हम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेंगे। तो हमने जैसे उसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे साइड में एक विंडो खुल जाएगी, ये कंट्रोल पैनल है इनका, और यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड दोनों की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप इसके डायरेक्ट एडमिन में आ जाएंगे, यानी कंट्रोल पैनल में आ जाएंगे। और कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, जिस पर आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो आप नीचे स्क्रॉल बार से आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको आप देख रहे होंगे यहाँ पे वर्डप्रेस है या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर जो होता है वो वर्डप्रेस है। तो आप वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे वर्डप्रेस का यहाँ पे व्यू आ जाएगा, ये जो इंस्टॉल हो जाएगा ऐसा दिखेगा। आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेटअप आ जाएगा, आपको यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपका जो वर्जन है ये वर्जन है आपका। यूआरएल है, आप यहाँ पे यूआरएल जो है डायरेक्ट इस यूआरएल पे क्लिक करना चाहते हैं, WP पे, यानी वर्डप्रेस कंटेंट पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है WP हटा लेंगे, नहीं तो बार बार जो है WP आपको डालना पड़ेगा। केवल आपको वेबसाइट डालनी है .com, उसके बाद जो है /wp-login.php आपको लॉगिन करने के लिए डालना होगा, तो ये आपको हटा देना है। इसके बाद साइट का नेम ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। यहाँ पे आपको पासवर्ड रख लेना है, जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे रखना चाहें। पहले यूज़र नेम, मान लीजिए यूज़र नेम हमें एडमिन रखना है, पासवर्ड हम यहाँ पे रख लेते हैं। हमने एक पासवर्ड यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे एडमिन की ईमेल आईडी, आप यहाँ पे ईमेल आईडी रख सकते हैं, या फिर वर्डप्रेस के अंदर भी आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज है, और आपको सीधा नीचे आना है, यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका जो वर्डप्रेस है वो ऑनलाइन इंस्टॉल होने लग जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस जो है इंटरनेट पे ही चलता है, ये जो वर्डप्रेस है आपका ऑनलाइन ही चलेगा, यानी आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, तभी आप वेबसाइट पे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है, अभी इसको पॉज कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, यानी ये आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है जो कि सभी लोग पढ़ पाएंगे, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह से अभी ओपन होकर आ रही है, क्योंकि अभी आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं डाली है, कोई भी पोस्ट नहीं डाली है। और जो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के अंदर काम कर पाएंगे, आपकी वेबसाइट और .com के बाद /wp-admin, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे डालेंगे, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी डाल सकते हैं, क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं कंट्रोल पैनल खोल के, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखने के, अपनी अपनी वेबसाइट लिखने के बाद ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। ये आ गया, जैसे मान लीजिए मुझे अगर इसके मुझे डायरेक्ट वर्डप्रेस पे जाना होता, तो मैं .com के आगे क्या लगाता, /wp-login.php, तो हमें लॉगिन करना था, तो यहाँ पे ये आ जाता एडमिन, जो हमने पासवर्ड वहाँ पे डाला है वो डाल देंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन के लिए आता है यहाँ से, ये डायरेक्ट आप एडमिन के अंदर पहुँच जाएंगे। तो आप देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर हम लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो ये है कि हमें जो वेबसाइट बनानी है वो किस चीज़ के ऊपर बनानी है। हमें एजुकेशनल बनानी है, स्पोर्ट्स के हिसाब से बनानी है, किसी एंटरटेनमेंट के लिए बनानी है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है थीम। तो हम जो है आज वेबसाइट जो है एजुकेशनल वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपेयरेंस में जाना है, अपेयरेंस सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स, तो आपको थीम्स के ऊपर क्लिक करना है।
तो जैसे आप थीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस जो है अपनी कुछ थीम देगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे केवल 3 थीम है, और जो आपकी पहली थीम लगी हुई है वो इस तरह की थीम लगी हुई है। आपको अगर अपने हिसाब से कोई भी थीम लगानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी आप ऐड न्यू पे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 15 है फीचर्ड में, पॉपुलर में अगर आप क्लिक करेंगे तो और बहुत सारी जो भी थीम इसके अंदर होगी वो यहाँ पे सारी की सारी शो होकर के आ जाएगी। तो आप देखेंगे पॉपुलर में जो है 4084 थीम है, ऐसी लेटेस्ट में होगी फिर आगे वाले ऑप्शन में होगी। आप किसी थीम को अगर जानते हैं तो यहाँ पे सर्च पे थीम का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि थीम है एजुकेशन बेस के नाम से, ये थीम है। इस थीम में आप देखेंगे यहां पे प्रीव्यू पहले देख सकते हैं, आप डायरेक्ट इंस्टॉल करने से पहले भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो थीम लगाने से पहले आप देख सकते हैं कि थीम किस तरह की होगी। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक स्लाइडर होगा जो कि चलेगा यहाँ पे, और हम इमेज ऐड कर सकते हैं, वो इस तरह की यहाँ पे दिखाई देगी। बहुत सारी बहुत अच्छी थीम है ये भी, तो हम यही इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। आपको बता दूँ कुछ थीम फ्री होती है, लेकिन बहुत सारी थीम जो है पेड होती है, जो आपको थीम के अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेड होने के बाद ही मिल पाती है। तो आप जैसे ही इस पर एक्टिवेट करेंगे तो ये थीम जो है आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। आपकी वेबसाइट अगर यहाँ पे डालेंगे तो आपकी थीम जो है इस तरह से चेंज हो जाएगी। तो अब हमें जो है अब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, थीम लगा ली, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि अब हमें अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। और डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं, आपने थीम आज सीखा, थीम सीखने के बाद हम बात करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है माई ब्लॉग और यहाँ माई वर्डप्रेस ब्लॉग, आप चाहें तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का कोई लोगो डिज़ाइन करके लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं थीम के नीचे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे है कस्टोमाइज, तो आप यहाँ पे कस्टोमाइज पे क्लिक करेंगे। एक एक करके सारे ऑप्शन हम धीरे धीरे सीखेंगे, पहले आप थोड़ा थोड़ा जितना आज सिखाया थोड़ा उतने की आप प्रैक्टिस करेंगे। आज हम कस्टमाइज थोड़ी सी चीज़ करके आपको बताएंगे। तो कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एजुकेशन बेस प्रो जो है अपग्रेड कर सकते हो, जो कि आपको जिसके लिए आपको चार्ज देना होगा। इसमें और कुछ फंक्शन होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जैसे आप अपग्रेड टू प्रो पर क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा कि आपको क्या क्या यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे जो एक्टिव थीम है वो एजुकेशन बेस है, जिससे आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं इसका, और जो एडवांस लेवल होगा वो आपको थीम का मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे होम पेज की सेटिंग है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, योर लेटेस्ट पोस्ट या अ स्टैटिक पेज। या तो आपकी कोई भी जो पोस्ट आपने बनाई होगी वो यहाँ पे आती रहेगी, आपकी होम पेज पे दिखाई देती रहेगी, या फिर स्टैटिक पेज, अगर आपने कोई पेज बना रखा है, कोई पेज डिजाइन कर रखा है, वो जो कि हम आगे सीखेंगे, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। सिंपल पेज लेना है या यहाँ पे सेकंड पेज है, जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फिर जो होम पेज पे जो है पोस्ट ना करके आपका पेज यहाँ पे शो होगा। तो हम इसको पोस्ट पे ही लगते हैं, क्योंकि हम जो भी पोस्ट डालते हैं वही हमें होम पेज पे होनी चाहिए। इसके बाद हम बैक स्पेस जाते हैं, यहाँ पे है साइट की आइडेंटिटी, आप यहाँ से साइट की आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइट का टाइटल है और यहाँ पे टैग लाइन है, लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे होंगे लोगो। टाइटल जो ये है माई ब्लॉग, अगर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे वेबसाइट का नाम एग्जाम्पल दीपक कुमार लिख दिया मैंने, यहाँ पे टैग लाइन डाल दी, यहाँ पे कोई भी टैग लाइन डाल सकते हैं। एग्जाम्पल टीचर डाल दिया, और हमें यहाँ पे पब्लिश, जैसे हम यहाँ पब्लिश करेंगे तो यहाँ देखते हैं यहाँ चेंज होता है या नहीं होता है, हमें एक बार इसको रिफ्रेश करना होगा।
तो जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे चेंज हो गया। आपको अगर कोई लोगो डिज़ाइन बना हुआ है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक मीडिया लाइब्रेरी, यानी कि जो आपके लाइब्रेरी के अंदर पहले से कोई चीज़ इंस्टॉल्ड है यानी बनी हुई है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर नहीं है तो अपलोड फाइल पर जाने के बाद सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ कहीं भी आपका जो लोगो होगा वहाँ पे उस लोकेशन पे जाएंगे। लोकेशन में जाने के बाद उस लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपकी मीडिया लाइब्रेरी में वो स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे वो बताएगा कि आपका जो लोगो है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह का यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेलेक्ट। और यहाँ पे क्रॉप इमेज के लिए बोल रहा है, या यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्रॉप करते हैं। ये व्हाट्सएप इमेज है इसलिए इसको एरर दिखा रहा है, तो हमें कोई दूसरी इमेज या हम इसी इमेज को जो है चेंज कर लेते हैं। तो हमने इमेज को क्रॉप करके यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि इमेज का जो पिक्सल था वो बहुत कम था, इसे थोड़ा सा अजीब सी यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही होगी। अब आपको यहाँ पे नीचे लगाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोगो ओनली, या साइट का टाइटल ओनली, या साइट का टाइटल और टैग लाइन, यानी कि साइट का जो टाइटल है जो कि ये आ रहा है, और यहाँ पे जो ये टैग लाइन आ रही है ये आ रही है, ये दोनों ही जो टाइटल ये है और टैग लाइन ये है, यानी यही शो करना है या सब कुछ डिसेबल करना है। तो हमें लोगो ओनली करना है, ये नाम हमें नहीं चाहिए। तो लोगो ओनली पर करेंगे तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देने लग जाएगा और आपको इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे जो आपका लोगो है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो लोगो होते हैं इसका भी बैकग्राउंड था, अगर ये पीएनजी में होता तो केवल टेक्स्ट दिखाई देता, ये बैकग्राउंड नहीं दिखाई देता। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप टेक्स्ट या लोगो किस तरह से आप बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे लोगो लग गया, अब वापस चलते हैं। इसके बाद हेडर ऑप्शन है, या फीचर सेक्शन है, या होम मेन कंटेंट एरिया है, फुटर ऑप्शन है। ये हम अगली क्लास में सीखेंगे, आज की क्लास में आप इतना ही करके देखेंगे, और ये हम लास्ट तक ये वेबसाइट को प्रोफेशनल लेवल तक लेकर के जाएंगे। आज की जो वीडियो है इसको आप अच्छे से करके देखेंगे।